एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवान यू आर प्रो। अगर मैं अभी अभी का अपना स्टेटस दे दूँ मैं क्या करा है, मैं सुबह उठी हूँ, मैंने ब्रश किया है, मैंने कपड़े पहने हैं, कुछ भी नहीं लगाया है फेस पे, सुबह का उठ के पानी भी नहीं पिया है और मैंने कहा रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि फिर से मंडे आ चुका है। देखो ऑफिस टाइम शुरू हो चुका है, ऊपर से मेरी जॉब जैसे 10 to 5 होता है, बैंक, मैम आई एम बैंकर बाई प्रोफेशन, तो 10 to 5 होता है, बट मेरा 8 to शाम के 7:30 हो जाता है क्योंकि मैं अप डाउन करती हूँ, ठीक है। और मैं ये इसलिए नहीं बता रही कि मेरे को गंदा लगता है वो काम करा, नहीं, उसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी है तो मेरे लिए वो काम भी बहुत अच्छा है, बट इससे मेरे को मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मेरी वीडियोज़ कम आए या नहीं आए तो जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं प्लीज़ उसको शेयर करना या देखना या फिर उस पर प्यारे प्यारे प्यार कमेंट्स करना, क्योंकि इतना वक्त नहीं है जितना मैं निकालना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए, क्योंकि इंसान के अंदर चीज़ें मन बहुत करता है हर चीज़ें करने का, ठीक है। अभी मैं आज सुनने वाली हूँ सिद्धू मूसेवाला जी का गाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो अगर मैं एक गाना डालूँ दो गाने डालूँ तो एक सिद्धू मूसेवाला जी का जरूर डालूँ हमेशा, तो अब मैंने एमी और उनका डाला है तो सिद्धू मूसेवाला जी का बिल्कुल डालती हूँ। तो सुनती हूँ, पहले लेवल सुनना था कि लेजेंड सुनना था, थोड़ा सा लिरिक्स सबटाइटल देखने के साथ ही चलेंगे, तो अभी मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो मैं उनके चैनल से उल्टा चलते हुए जा रही हूँ और वैसे बीच बीच के छोड़ रही हूँ कि मैंने लेवल्स का थोड़ा सा ज्यादा नाम सुना था, तो लेवल्स को कर देते हैं रिएक्ट। आ जाओ, हार दिए लाइफ टाइम दी पेंशन मांगता है ने मारी जनानी वांगू नी सारे मैथों टेंशन मांगता है ने बिना गलों विच आउणा चाहुंदे साडे राइवल दे नी हार दिए जन्ना ना कंपेयर करे साडे लेवल दे नी हार दिए जन्ना ना कंपेयर करे साडे लेवल दे नी हार दिए वाओ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रही हूँ क्योंकि जब जब मैं इनको देखती हूँ तो मेरे को वो पगड़ी और सिख दिखता है ना, तो कल मैं थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में पढ़ती कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो यार सिख का मीन ही वो है लर्नर, सीखने वाला, कह रहे थे जब हिंदू है हिंदू जाति बिरादरियों के पीछे हल्ला गल्ला करता रह गया, मुस्लिम्स भी करेगा, बट सिख क्या है जिसके अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा, तभी जो ये लंगर की वो चीज़ है, ये यही दिखाने के लिए कि कोई भी जाति धर्म किसी का भी हो बट हम सबको खाना मतलब सबको खाना खिला रहे हैं एक ही जगह पे, सब नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। और फिर मैंने वो पढ़ा कि गुरु गोविंद सिंह जी जैसे 10वें गुरु है ना, तो उन्होंने पता है ये खालसा मतलब इक्वलिटी हो गया, खालसा मतलब इक्वलिटी, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सबके सरनेम ही हटा दिए, उन्होंने कहा लड़के के पीछे लगेगा सिंह, मतलब सिंह का मतलब हो गया लॉयल, और लड़की के पीछे लगेगा कौर मतलब प्रिंसेस। तो कल मैंने पूरा पढ़ा, पता है जैसे मतलब वीडियो देखी थी दूसरे की, उन्होंने सिख धर्म के बारे में पढ़ दी कि अच्छा कैसे पनपा, कि मतलब कि क्या आइडियोलॉजी थी, जो तो हम आइडियोलॉजी आज की आइडियोलॉजी नहीं, ये तो आज तो पॉलिटिक्स वोट बैंक ये सब है, 1400 गुरु नानक देव जी क्या कह गए थे, मजा आ गया। तो थोड़ा ये वीडियो से अलग बात है पर थोड़ी सी बता दी मन की बात। गाना Yo, it's like who else you really know that be setting the ball. They just dropped a couple songs, but they think they're a star. We don't run from competition, we don't run from the law. If you trying to level up, I'm the one that you call. I just do this for the love, I don't do this for the bag. They said meet me at the top, I looked around like where y'all at. Pardon if I laugh,
Fuck you if you mad, I could lose everything and still double what you have. Cause I've been watching all my moves and they copy of my style. I was hitting with the end, but I know the undeniable. I'm sitting at the top and I know it's been a while. Yeah. I know it's been a while. Oh, ਪਿੱਠੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਮੂਤੇ ਕਹਿਣੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬੀਫ ਚਲਾ ਲੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੱਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਗੀਤ ਚਲਾ ਲੈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਜਿੰਟੂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਖਸਮ ਨੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਟ ਟੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇੜ ਕਲੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੌੜ ਕੁੜੇ ਸੋਲੋ ਡੋਲੋ ਰੂਪ ਕਰੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖਣ ਕੌਣ ਕੁੜੇ ਨੋ ਨੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅੱਥਰੇ ਈਪੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਤੜਕੇ ਸੀ ਬਿਲਬੋਰਡ ਕੁੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਲਪਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਪਾਦੀ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਨੇਡਾ ਛੁਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਹੀ ਬਾਤ मतलब मैं उठे ही मुड़ के आया मतलब मैंने भी देखा है कि मतलब ये अपने ही मतलब इतने बड़े सेलिब्रिटी स्टार होके भी ये अपने ही मुँह से वाला गाँव में रहना और मैंने इनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे ना जब तो ये जैसे वो लेडी इंटरव्यू ले रही थी ना उससे आई कॉन्टैक्ट करके बात ही नहीं कर रहे वो नीचे मुँह देख के बात कर रहे जितने भी देखे मैंने जितने भी इनके देखे वाले इंटरव्यू जिसमें लेडीज इंटरव्यू ले रही है तो देख ही नहीं रहे थे उसकी आँखों में ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀਏ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀਏ बोल देती हूँ सीधे सीधे मुझे गाना पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया ठीक है इतनी जल्दी तो मुझे इंग्लिश पढ़ने की आदत हो ही गई है थोड़ा सा सबटाइटल देख के जिन्होंने इंग्लिश पार्ट गाया ना वो भी मज़ेदार लगा यार मतलब मैं ऐसे ध्यान नहीं देती मैं तो जिस आर्टिस्ट को सुन रही उसको दे दी थी पर अच्छा लगा बड़ा क्योंकि शायद सबटाइटल मिल गए तब समझ में आया क्या लेकिन बढ़िया लगा और मेरे को देखो यार ये सब देख के ऐसा नहीं होता कि हाय मुझे पता है यार कि जिन्होंने इतना बड़ा नाम किया है तो उनके गाने ऐसे ही होंगे तो कोई शॉकिंग नहीं था मेरे लिए मज़ा आया मुझे सुन के और अगर आप लोगों को ये रिएक्शंस देखना अच्छा लगता हो तो फैलाओ मैं तो कहती हूँ हर जगह फैलाओ क्योंकि फैलाने से ही चीज़ें होती हैं बाकी इंस्टाग्राम वाली लाइन मैं भूल जाती हूँ यार ये भी मतलब कर लो फॉलो वहाँ भी एक्टिव हूँ वहाँ जल्दी चीज़ें इंसान शेयर कर देता है अपनी बातें एक्सप्रेस कर देना फटाफट रील शेयर कर देना ये कर देना वो कर देना लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऐसी प्रोफेशनल वाली बातें होती नहीं मेरे से पर फिर भी कर दो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना और मेरा रिएक्शन ना गाने के बीच में ही निकल के आता है मुझे ये समझ में नहीं आता कि बाद में इसके मैं अलग और क्या ही बोल दूंगी तो जो वहाँ चल रहा है वो मेरे फेस पे चल रहा है और जो चीज़ मेरे को लग रही है मैं तुरंत बोल देती हूँ बस तो बाय टेक केयर टाटा